Hello friends, welcome back to my channel. Let us be artistic. आज मैं आपसे ये चारकोल पेंसिल के बारे में कुछ शेयर करना चाह रही हूँ. प्लीज़ आप मुझे ये पेंसिल के बारे में, मैंने तीन पेंसिल ख़रीदा है, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट. 50 रुपीज़ का है, इस रैपर में आया है. आप प्लीज़ सजेशन दो, मैं इसे यूज कैसे करूँ. जब यूज करती हूँ ना तो बहुत टूट टूट जा रहा है, ऐसे टूट जा रहा है, नहीं तो पेज पे दाग हो जाता है. इस तरह सही से मतलब यूज नहीं कर पा रही. आप इस पे सजेशन दो मुझे कैसे यूज करना है जो सीनियर है आर्टिस्ट. हाँ, एक चीज़ और, आर्ट लाइन का जो मैंने किया है, ख़रीदा है, वो सही है. आर्ट लाइन तो बहुत काम आ रहा है मुझे, उसी की वजह से मेरा पोर्ट्रेट थोड़ा हाथ साफ हो गया है, मैं सही से बना पा रही हूँ. ये पेंसिल अभी यूज कर रही हूँ, आपसे शेयर करी थी, पहले बताई भी थी मैंने क्या क्या ख़रीदा है. ये आर्ट लाइन का इरेजर है, 10-10 रुपये का दिया है कोई, और लोकल मार्केट से मैंने ख़रीदा है. तीन ख़रीदी है मैंने, एक यूज कर रही हूँ, दो रखा है मैंने अभी. ये कलर पेंसिल भी ख़रीदी है. इतना ऐसे तो बहुत हार्ड, मतलब हार्ड क्या, कॉस्टली बहुत कलर आ रहा था, पर मैं अभी इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, इसलिए पेंसिल मैं हल्का सा ही डॉम्स का ख़रीदा है. ये लगभग 90 या 100 रुपीज़ का है. टोटल 12 कलर हैं. स्केचबुक ख़रीदा है मैंने. आप कुछ सजेशन दो कि किस तरह मैं यूज करूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली बता दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगी. ओके, मैं आपके सजेशन, और अगर अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें कि किस तरह यूज करना है. ओके, देखो आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा. ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट स्केचिंग में, नेक्स्ट कलर. इस बार मैं थोड़ा कोशिश करूँगी कलर पोर्ट्रेट बनाने का. सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.